नमस्कार दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आज के करंट अफेयर का ये रहा आपके स्क्रीन पर। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या 8 अप्रैल को? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सही होगा 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 8 अप्रैल को? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सही होगा 11 अप्रैल। इसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के लिए 21 नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? ऑप्शन है दिल्ली, गुजरात, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है राजस्थान। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जिसने लॉकडाउन को आगामी 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दिया है? राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ओडिशा। इसके बाद नेक्स्ट है, द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेरी जॉर्डन, मिशेल ओबामा, एंजी मर्केला, इवांका ट्रंप? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मेरी जॉर्डन। इसके बाद नेक्स्ट है, 9 अप्रैल को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है? 107वां, 108वां, 100वां या 112वां? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 108वां। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन नामक अभियान शुरू किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, सूचना और प्रसार मंत्रालय द्वारा, प्रसारण मंत्रालय द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा या उद्योग मंत्रालय द्वारा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर की सहायता का भरोसा दिया है? 5.6 बिलियन डॉलर, 2.2 बिलियन डॉलर, 4.2 बिलियन डॉलर या 3.8 बिलियन डॉलर? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 2.2 बिलियन डॉलर। इसके बाद नेक्स्ट है, केंद्र ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम सेवा शुरू की है? तमिलनाडु, ओडिशा, हरियाणा या राजस्थान? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट है, ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न ये है, भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए 28वें 8, ऑप्शन बी 29वें 9, ऑप्शन सी 29वें 8 और ऑप्शन डी 29वें 7। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।